आज हम देखेंगे कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो अपने सीपीए ऑफर्स और अफिलिएट ऑफर्स के लिए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का ट्रैफिक मिले। इस सीपीए मार्केटिंग केस स्टडी की जो सबसे पहली वीडियो थी, उसमें हमने देखा था कि कैसे एक अच्छा सीपीए ऑफर चूज करते हैं, और जो पार्ट टू था उसमें हमने उस सीपीए ऑफर की पूरी ट्रैकिंग सेटअप करी थी क्लिक मैजिक पे। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी है तो इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो जाके देख लेना। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अगर जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो अभी कर लो, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम आगे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो अपने सीपीए ऑफर्स के लिए और अफिलिएट ऑफर्स के लिए। कीवर्ड रिसर्च यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर मान लीजिए आपने ऐसे टाइप के कीवर्ड्स फाइंड करे जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और आपने उनको अपने कैंपेन के अंदर यूज़ करा, तो जो आपको ट्रैफिक मिलेगा वो भी अच्छा नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ जो आपको कन्वर्जन रेट मिलेगा वो भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस सीपीए मार्केटिंग केस स्टडी का जो पार्ट वन था, उसमें हमने ये सीपीए ऑफर चूज करा था इनबॉक्स डॉलर यूएस। तो इसके लिए आज हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे। एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि जो भी प्रोसेस या स्टेप्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, वो हर जगह अप्लाई होंगे, चाहे आप किसी भी सीपीए ऑफर को प्रमोट कर रहे हो, किसी भी अफिलिएट ऑफर को प्रमोट कर रहे हो, या आप अगर मान लीजिए कोई भी और सीपीए नेटवर्क यूज कर रहे हो, तो जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, वो हर जगह सेम ही रहेंगे। तो कीवर्ड रिसर्च करने से पहले जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी है, वो ये है कि आपको अपने सीपीए ऑफर की तरफ देखना है, अपने अफिलिएट ऑफर की तरफ देखना है, या जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो उसकी तरफ देखना है, और ये सोचना है कि ये जो मेरा ऑफर है ये कौन सी ऑडियंस के लिए, और वो जो ऑडियंस है वो क्या टाइप कर सकती है बिंग पर या गूगल पर, ताकि वो मेरा ये ऑफर फाइंड कर सके। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको नोटपैड पर एक जगह नोट डाउन कर लेनी है। जैसे कि हमारा ये जो ऑफर है ये इनबॉक्स डॉलर है, ठीक है, एक सर्वे ऑफर है, तो इसको फाइंड करने के लिए लोग क्या लिख सकते हैं, जनरली पेड सर्वे लिख सकते हैं, या पेड ऑनलाइन सर्वे लिख सकते हैं, या लेजिटिमेट पेड सर्वे लिख सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ये तीन चीजें लिख सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं आपको वो लिख लेनी है। तीन से पांच आपको टर्म्स यहाँ पे लिख लेने हैं। तो ये था सबसे पहला स्टेप। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको गूगल पर आना, यहाँ के आपको गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन करना है, और जो सबसे पहली वेबसाइट है, जो सबसे पहला लिंक है, उसको आपको ओपन कर लेना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में यहाँ पे डाउट होगा कि यहाँ पर हमने गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज क्यों करा, हमने बिंग कीवर्ड प्लानर का यूज क्यों नहीं करा, कि हम अपने ऑफर को बिंग के थ्रू प्रमोट करने वाले हैं, गूगल के थ्रू प्रमोट नहीं करने वाले। तो जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि गूगल पर जो आपको पॉसिबल कीवर्ड के कॉम्बिनेशंस मिलते हैं वो ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू बिंग। तो जितने ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। जो सेकंड रीजन है वो ये है कि जब आप बिंग का इंडियन एड अकाउंट यूज कर रहे हो, तो वहां पर आप जो कीवर्ड के कॉम्बिनेशंस हैं उनको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते एज अ सीएसवी फाइल। हालांकि थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करके आप ये चीज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इजीली करना चाहते हो, आराम से करना चाहते हो ये चीज, तो वहां पे आप गूगल के थ्रू बड़े आराम से ये चीज को परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर आप गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज भी करते हो तो वहां पे कोई भी नुकसान नहीं है, उल्टा आपको फायदा ही होगा। तो गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लू कलर का गो टू कीवर्ड प्लानर का बटन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और एक है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, और कंट्री यहाँ पे इंडिया है, तो आपको इसको चेंज करना है, बिकॉज आपको वो कंट्री सिलेक्ट करनी है जिस भी कंट्री में आप अपने ऑफर को प्रमोट करने वाले हो। जैसे कि हमारा जो ऑफर है इनबॉक्स डॉलर, उसको हम यूएस में प्रमोट करने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में प्रमोट करने वाले हैं, तो आपको इंडिया कंट्री हटा के यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, और इसको यहाँ पे टारगेट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको सिलेक्ट करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स एंटर करने जिनके अराउंड आप कीवर्ड्स फाइंड करना चाहते हो। इस वीडियो की शुरुआत में जो सबसे पहला स्टेप था, जो मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ टर्म्स लिखने हैं जो लोग टाइप कर सकते हैं बिंग पर या गूगल पर आपके ऑफर को फाइंड करने के लिए, तो जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे देखिए लिखा है पेड सर्वे, पेड ऑनलाइन सर्वे, लेजिटिमेट पेड सर्वे। तो सिंपली आपको ये टर्म्स को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ आके आपको सिंपली इन्हें पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे गेट रिजल्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे शो कर रहा है 1362 कीवर्ड आइडियाज अवेलेबल हैं। देखिए काफी सारे कीवर्ड्स हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है जो आपको करना है वो ये है कि सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है,
और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर भी क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, एक है CSV, एक होगा गूगल शीट, तो आपको CSV ऑप्शन चूज कर लेना है। चूज करने के बाद CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपको उसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने CSV फाइल ओपन कर ली है, ऐसे ही आपको भी ओपन कर लेनी है। और ओपन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको जितने भी कीवर्ड के अलावा जितने भी आपको कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं उन सबको आपको डिलीट कर देना है, बिकॉज ये सारे कॉलम्स हमारे कोई मतलब के नहीं है, कंपटीशन का, हाई बिड का, लो बिड का, ठीक है। जितने भी कॉलम्स है आपको इन सबको हटा देना है, सिर्फ कीवर्ड का जो कॉलम है इसको ही आपको रहने देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे कीवर्ड्स डाउनलोड हो गए हैं और टोटल देखिए यहाँ पे हमारे पास 1365 कीवर्ड्स हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको वो सारे कीवर्ड्स हटा देने हैं जो आपको लगता है कि अच्छे नहीं हैं, कुछ भी उनमें लिखा हुआ है आपके ऑफर से रिलेटेड नहीं है, आपको वो सारे कीवर्ड्स हटा देने हैं। मैन्युअली करनी है आपको ये चीज़। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये कीवर्ड है पेड व्यू पॉइंट, ये एक ब्रांड का नाम है, ये हमारे ऑफर से रिलेटेड नहीं है, तो सिंपली आपको यहाँ पे डिलीट रो पे क्लिक कर देना है। तो ऐसे ही आपको वो सारे कीवर्ड्स हटा देने हैं जो कि आपके ऑफर से रिलेटेड नहीं है। कोशिश आपको ये करनी है कि आपको वही कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं जिनके अंदर पेड सर्वे या सर्वे टर्म आए, जिनके अंदर ये चीज़ें नहीं आ रही वो आपको हटा देने हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए लिखा है बेस्ट सर्वे ऐप्स, ठीक है, हम वेबसाइट्स को प्रमोट करने वाले हैं, ऐप्स को प्रमोट करने वाले नहीं है, तो आपको यहाँ पे भी डिलीट रो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा है GPT साइट्स, ठीक है, तो आपको इसको भी हटा देना है, ठीक है। और आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है, ये देखिए विंडेल रिसर्च साइन इन, ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा नीचे और आओगे तो यहाँ पे और देखिए विंडेल रिसर्च साइन अप, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे कीवर्ड्स हटा देने हैं जो भी लगता है आपको कि खराब है। देखिए जैसे कि यहाँ पे पेड व्यू पॉइंट रिव्यूज, तो इसको भी आपको हटा देना है, ठीक है। तो टोटल जो हमारे कीवर्ड थे वो थे 1362 कीवर्ड्स हमारे पास थे, तो आपको सारे कीवर्ड्स हटा देने हैं। तो हटाने के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली 600 से 700 कीवर्ड्स बचेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब भी आप कीवर्ड्स को मैन्युअली चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स को डिलीट कर दोगे जिनको आपको डिलीट नहीं करना चाहिए, या मान लीजिए आपने गलती से कुछ ऐसे कीवर्ड्स को छोड़ दिया जो कि आपको डिलीट करने थे, तो उससे आपके कैंपेन पे कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज आप 600-700 कीवर्ड्स ऐड करोगे, तो इतने ज़्यादा कीवर्ड्स जब आप ऐड करोगे तो एक दो कीवर्ड्स अगर आपसे डिलीट हो जाते हैं या नहीं भी डिलीट होते हैं तो उससे आपके कैंपेन पे कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ऐसे ही आपको पूरी लिस्ट को नीचे तक चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है हुड कैश सर्वे, तो आपको इसको भी हटा देना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये सारे कीवर्ड्स हटा देने हैं जो आपको लगता है कि आपके ऑफर से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको ऊपर आके यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट कर लेना है अलग से, और जो आपने यहाँ पे नोटपैड में टर्म्स लिखे हैं, पेड सर्वे, पेड ऑनलाइन सर्वे, लेजिटिमेट पेड सर्वे, ये आपको यहाँ पर कॉलम में नोट डाउन कर लेने हैं। तो मैंने नोट डाउन कर लेता हूँ पेड सर्वे, ठीक है। सेकंड था हमारा पेड ऑनलाइन सर्वे, और जो थर्ड था हमारा वो था लेजिटिमेट पेड सर्वे, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको एक कॉलम में नोट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको यहाँ पे bing.com वेबसाइट ओपन करनी है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको टॉप राइट कॉर्नर पे तीन लाइन देखने को मिलेंगी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पे देखिए कंट्री और रीजन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर इंडिया सिलेक्टेड मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे US कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, बिकॉज हम अपने ऑफर्स को US में प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो भी आपने यहाँ पे शीट में 3 से 5 टर्म्स लिखे हैं उनमें से कोई भी टर्म आपको चूज कर लेना है, और चूज करने के बाद उसको यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पेड सर्वे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब मैंने पेड सर्वे टाइप करा तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे नीचे ऑप्शंस दिखा रहा है, ठीक है, जो पॉसिबल कीवर्ड्स हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है पेड सर्वे ऑनलाइन, तो जो पेड सर्वे ऑनलाइन है ये टर्म हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए लिखा है, पेड ऑनलाइन सर्वे या पेड सर्वे ऑनलाइन एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है पेड सर्वे जॉब्स, तो पेड सर्वे जॉब हमारे ऑफर से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है पेड सर्वे साइट, ठीक है, ये हमारे ऑफर से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे सिंपली नोट डाउन कर लेना है पेड सर्वे साइट, ठीक है, आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है पेड सर्वे एट होम, तो ये भी हमारे ऑफर से रिलेटेड है, तो ये भी आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है पेड
सर्वे एट होम, ठीक है, जो भी कीवर्ड्स आपको लगते हैं कि आपके ऑफर से रिलेटेड हैं आपको वो सारे नोट डाउन कर लेने अपनी शीट में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे है पेड सर्वे ऑनलाइन इंडिया, इंडिया में हम अपने ऑफर को प्रमोट नहीं कर रहे तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, पेड सर्वे जॉब्स इन इंडिया इसको भी यूज़ नहीं कर सकते, और पेड सर्वे ऑनलाइन जॉब्स इसको भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स की बात हो रही है, सर्वे की बात नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबल टर्म्स नहीं मिलते हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी एक टर्म को चूज़ कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे पेड सर्वे ऑनलाइन को चूज़ कर लेता हूँ, और चूज करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है, और नीचे यहाँ पे आपको देखिए रिलेटेड सर्चेस देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे आपको वो टर्म्स चूज कर लेने हैं जो आपको लगता है कि आपके ऑफर से रिलेटेड हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेक मनी डूइंग सर्वेस, टेक सर्विस फॉर मनी, टेक सर्विस गेट पेड इमीडिएटली, लेजिटमेट सर्विस दैट पे कैश, मेक मनी टेकिंग सर्विस, ऑनलाइन पेड सर्विस लेजिटमेट, ठीक है। इससे मिलता जुलता हमने देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है लेजिटमेट पेड सर्वे, और यहाँ पे देखिए है ऑनलाइन पेड सर्विस लेजिटमेट, तो आप चाहो तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पेड ऑनलाइन सर्विस 2020, ठीक है। तो आपको ये सारे अगर लगता है तो आपको सिंपली इन सबको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आके इन्हें पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे पेस्ट हो गए हैं, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई भी कीवर्ड आपके ऑफर से रिलेटेड नहीं है तो सिंपली आपको उसे स्किप कर देना है, जो भी आपको लगते हैं कि आपके ऑफर से रिलेटेड हैं आपको सिर्फ वही कीवर्ड्स अपने यहाँ पे शीट में नोट डाउन करने हैं। तो जितने भी आप थोड़े बहुत यहाँ पे ऐड कर सकते हो आपको उतने ऐड कर लेने हैं, 10 से 12 यहाँ पे मोर देन इनफ होता है, ऐसा नहीं है कि आपको 50-60 ऐड करने हैं, 10 से 12 यहाँ पे मोर देन इनफ है, ठीक है। तो यही कीवर्ड के टर्म्स को हम आगे अपने कैंपेन के अंदर यूज करेंगे, तो ऐसे ही करते हैं कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है कि हमने वही मोस्टली कीवर्ड्स ऐड करें जिनके अंदर सर्वे या पेड सर्वे हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मोस्टली हमारे वही कीवर्ड्स आएंगे जो हमारे ऑफर से रिलेटेड हैं, बिकॉज जो कीवर्ड्स के अंदर सर्वे या पेड सर्वे नहीं है वो हमारे ऑफर से रिलेटेड होंगे नहीं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर देना, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में पूछ लेना। तो बाय बाय, टेक केयर।